बिग बॉस के सेक्स कंटेस्टेंट ने किया बड़ा खुलासा, किस वजह से पहुंचे डिप्रेशन में? क्या शो की वजह से डिप्रेशन में पहुंचे बिग बॉस के ये एक्स कंटेस्टेंट? कौन से हैं ये कंटेस्टेंट? क्या बड़ा खुलासा उन्होंने किया है? शो खत्म होने के बाद पूरी डिटेल्स, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे यहाँ टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में। वेल, बात कर रहे हैं शालीन भनोत की। शालीन भनोत, जिन्हें टीवी इंडस्ट्री में एक लंबा अरसा हो चुका है, लंबा अरसा वो बिता चुके हैं टीवी इंडस्ट्री में, रियलिटी शोज कर चुके हैं, डांस शोज कर चुके हैं, फिक्शन तो किया ही है, और ऐसे में बिग बॉस के घर की अगर बात करें तो बिग बॉस सीजन 16 के मोस्ट टॉक्ड कंटेस्टेंट रहे शालीन भनोत। चाहे घर में अपने रियल ना होने के लिए उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा हो, चाहे सलमान खान ने कई बार उन्हें सुनाया हो, गाइड किया हो, चाहे बिग बॉस के घर में मौजूद बाकी सदस्यों से उनकी बातचीत ज़्यादा ना होना हो, सुम्बुल और टीना के साथ उनका रिश्ता हो, बहुत सारी वजहें थी जिसके चलते शालीन भनोत बिग बॉस के घर में सुर्खियों में रहे। और अब जब वो बिग बॉस के घर से बाहर निकल चुके हैं तो एक इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया है डिप्रेशन का। जी हाँ, डिप्रेशन का शालीन भनोत ने जिक्र किया है। शालीन भनोत ने कहा कि मेरे लिए वो 4 महीने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे, खासकर मेंटली अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वो 4 महीने मेरे लिए थे, जो भी कुछ घर में हुआ। अगर उन सब चीज़ों की मैं बात करूं तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और मैं अभी तक कोप अप कर रहा हूं नॉट सो रियल रियलिटी से। यानी कि उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस को एक तरह से ताना मारा है कि रियलिटी शो नॉट सो रियल। रियलिटी शोज़ के बारे में वैसे अक्सर ये बात कही जाती रही है कि रियलिटी शो में रियलिटी बहुत कम होती है, और शालीन भनोत भी यहाँ कुछ ऐसा ही कहते दिखे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शालीन भनोत एक साइकेट्रिस्ट के साथ अभी कंसल्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कई इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि मेंटली टफ टाइम से वो गुजर रहे थे, और अभी जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि अब वो बेटर हो रहे हैं धीरे धीरे, और वो समझ गए हैं कि ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ ये सब तो इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपका दिमाग सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। शालीन भनोत फिलहाल बेकाबू में नज़र आ रहे हैं। बेकाबू सीरियल में वो लीड रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं। बिग बॉस के घर से निकलने के एक दिन बाद ही उन्होंने शो के प्रोमो के लिए शूटिंग शुरू कर दी थी। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? शालीन भनोत आपको कितने पसंद हैं, या फिर बिग बॉस 16 के घर का कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपका फेवरेट रहा? अपने कॉमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हों।